दबंग सलमान खान साहब अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों फैंस उनकी रेस 3 का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब सलमान के फैंस के लिए एक दिल खुश कर देने वाली खबर है आ रही है, सलमान की सलमान टॉकीज। दरअसल ये कोई फिल्म नहीं है, सिनेमा घर है, जो बाकी सिनेमा घरों से कई मामलों में अलग होने वाला है। कैसे, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बॉलीवुड के सुल्तान दरिया दिल तो हैं, कई बार कुछ ऐसा करते हैं कि दिल बाग बाह हो जाता है। हाल ही में सलमान अपनी फिल्म रेस 3 के डिस्ट्रीब्यूटर भी बने। इसके अलावा सलमान खान अपनी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने और फैंस को फिल्म दुनिया के करीब रखना चाहते हैं, इसी मकसद से सलमान टॉकीज की शुरुआत कर रहे हैं। ये टॉकीज मुंबई के बाहरी इलाकों में खोलने की योजना है। 2 साल पहले सलमान ने ये योजना बना ली थी। इस योजना के मुताबिक इस टॉकीज में टिकट्स टैक्स फ्री रखने, सब्सिडाइज रेट पर रखने और वंचित परिवार के बच्चों के लिए फ्री रखने की तैयारी है। जी हाँ, यानी कि इस सिनेमा घर में टिकट पर टैक्स नहीं लगेगा, सब्सिडी मिलेगी और उसके अलावा जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वंचित परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए ये टॉकीज फ्री रहेगा। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने जब से इस योजना पर काम करना शुरू किया है, इसमें कई बदलाव हो गए। सलमान ने बताया, थिएटर चेन के लिए मेरे पास कई योजना है, लेकिन मुझे इसमें काफी समय लगेगा क्योंकि मुझे बहुत सावधान रहना होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी बारीकियां शामिल है जिन पर ध्यान देना है ताकि ये परियोजना बंद ना हो। लेकिन मैं साफ बता दूं कि ये थिएटर्स बांद्रा या जुहू में नहीं होंगे, बल्कि मुंबई के बाहरी इलाकों में होंगे। वो कहते हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटरी के क्षेत्र में बहुत सारा काम करना चाहता हूं। मेरी इस ईद पर आने वाली फिल्म रेस 3 के साथ मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बनकर इस दिशा में पहला कदम उठाया है। ये चेन मेरे इसी पोर्टफोलियो में एक और पहलू जोड़ती है। तो इस तरीके से सलमान की अब योजना है सलमान टॉकीज लाने की। वैसे पहले भी सलमान खान साहब टायर 1 शहरों में मूवी टिकट्स की समस्या को लेकर आवाज उठा चुके हैं, जहां एक टिकट की कीमत 400 से 500 रुपए तक होती है। बहरहाल देखते हैं कि सलमान टॉकीज आती है तो क्या क्या होती है टिकट्स के रेट और क्या होता है कमाल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।